अरे वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एच के। तो इस चैनल पे हम हरियाणा की जो भी यूनिवर्सिटी है एडमिशन रिलेटेड एंड एग्ज़ाम रिलेटेड हम सब डिस्कशन करते हैं, पोस्ट डालते हैं और वैकेंसीज की भी बात करते हैं। वैकेंसी होगी टीचिंग या नॉन टीचिंग वैकेंसी। सो आपको डेली टाइम नहीं मिलता, हम डेली पोस्ट करते हैं। अगर आपके पास संडे का टाइम है तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे, वहाँ पे लिस्ट बनी हुई है ऑल स्टेट वैकेंसी, आप जाके चेक कर सकते हो वैकेंसीज की। और मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थ्योरी डेट शीट बी एड सेकेंड ईयर रेगुलर रिपेयर एग्जामिनेशन नवंबर 2020, ये किन के लिए एग्जाम हो रहा है? ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु कुडन नॉट कंप्लीट देयर एग्जामिनेशन एंड वर एब्सेंट इन द रिसेंट MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हेल्ड इन अक्टूबर। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना एग्ज़ाम मिस कर दिया था, जो अभी हुआ था ऑनलाइन, तो ये उनके लिए है। बात की जाए और बहुत ही अच्छा काम किया है महर्षि दयन यूनिवर्सिटी ने, तो सभी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। तो एक बार पढ़ते हैं अच्छे से क्या सिस्टम है। ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट कंप्लीट सबमिट स्टार्ट देयर एग्जामिनेशन, किसी वजह से आप अब्सेंट थे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या सबमिट नहीं कर पाए, कंप्लीट हुआ हाफ इट, MCQ बेस्ड ओनली ऑन एग्जाम हेल्ड इन अक्टूबर 2020, सेंटर एज रोल नंबर एस स्लिप, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव्स, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 11 AM टू 12:45। नोट, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू थ्री क्वेश्चन, वही आपको थ्री क्वेश्चन करने हैं 60% 48 में से। सो पहला है पेपर आपका है, सो यहाँ पर लिखा ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स, इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन द स्टूडेंट्स रिक्वायर टू अटेम्प्ट क्वेश्चन एटलीस्ट 60%, जिसमें अगर बात की जाए तो कंप्लीट करना है आपको, तो आपको जैसे मान लो एक क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन है, तो आपको उसमें 60% कंप्लीट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसमें दो दो के 5 मार्क्स आ जाएंगे, तो आप कोई 3 क्वेश्चन कर दो उसके, जो इज 48 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। पहला आपका 24 से एग्जाम स्टार्टेड है, और नॉलेज ऑफ करिकुलम 25 को आप देख सकते हो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग 26 को, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, और आप सभी ऐसी डेट शीट चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट हम बात की जाए किसकी डेट शीट आई है, इसकी बात की, थ्योरी डेट शीट ऑफ BEd सेकेंड ईयर स्पेशल एजुकेशन ओनली, ये भी उन्हीं के लिए है स्पेशल एजुकेशन, जिनका चांस छूट गया था, जो भी लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुए थे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए आप ज़रूर कि आप एक बार दोबारा से एग्ज़ाम दे। सब बात की जाए, नेक्स्ट देख सकते हैं आप, थ्योरी डेट शीट फॉर बैचलर ऑर्ट्स थर्ड ईयर DDE एग्ज़ाम, ओनली दो स्टूडेंट्स वो कुड नॉट अप कम्प्लीट देयर एग्जामिनेशन वर एबसेंट इन द रिसेंट MCQ, ये भी उनके लिए है। थ्योरी डेट शीट ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए है, ये भी उन्हीं के स्टूडेंट्स के लिए। थ्योरी ऑफ BCOM पास वोकेशनल 6 सेमेस्टर रेगुलर एंड दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट कंप्लीट, तो उन्हीं के लिए डेट शीट है। थ्योरी डेट BSc ऑनर्स 6 सेमेस्टर सेम फुल रिपेयर, दो स्टूडेंट्स हु एंड नॉट क्लियर। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए, बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपको एक बार चांस और मिल रहा है एग्ज़ाम देने का, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।